लगाण वर्षा जगू सानखेमुंडी सिंगीपुर हरिणा रास्तारे चालुची पानी तप्त पानी नाळ पानी वृद्धि पाइबा परे रास्ता धोई जायची रास्ता उपरे चालीची वर्षा पानी फळरे डेंगाउस्थ पलासपुर मध्यरे गाड़ी चलाचल संपूर्ण रूपे बाधाप्राप्त होईची। लगाण वर्षा जगू एस गोपालपुर सिंगबिल पहाड़ खलिंगी दुदुरा पदर समेत घोड़ाहाड़ नई कूलिया जमी जलमग्न हो जाइए। वर्षा पानी से बुड़ जाइए धान फसल। अधिक आलोचना करिबा कालचरण नायक अछंती दिगपंडी रिपोर्टर कालु पूरा स्थिति वर्तमान किभळ देखुछंती। देखंतु एथरी दीर्घ दिन तीन दिन धरी जो लघुचाप जनित वर्षा लगी वर्षा द्वारा गंजाम जिलार विभिन्न स्थान में वर्षा होती तेणु सानखेमुंडी ब्लॉक अंतर्गत खलिंगी सानखेमुंडी और एस गोपालपुर डेंगास्ता विभिन्न स्थान में जो पनीपरिया चाष कर धान चाष अच्छी सबुठ जलमग्न हो सबुठ जलमग्न होगा फल कौटी रास्त पा बहुत देखा सानखेमुंडी ब्लॉक अंतर्गत राधा देवीपुर पंचायत रे एक नवनिर्माण जो पोखरी अच्छी पोखर पुनरुद्धार पाई दीर्घ मास धरी काम लगी काम जो 10 रु 15 लाख टका खर्च होता बेले गोटे साइड वाल साइड वाल टी संपूर्ण भाव भांगी जाती तेरे एने आम स्थानीय प्रशासन सहित जोजोग कर चेस्टा करते पर्यटन प्रशासन जोजोग यातायात प्रभाव रही धान क्यारी पा माड़ जाइए कि लोक मैंने जल बंदी अवस्था अच्छा देखंतु गायत्री तीन दिन वर्षा नदी घोड़ाहाड़ नदी एवं जो केनाल रही केनाल और घोड़ाहाड़ नदी में संपूर्ण भाव जलमग्न हो जलस्तर बढ़ी चली केनाल रु अल्प अल्प भांगी केनाल पा एवं बिल एवं जो जमी अच्छी क्षेत्र जमी अच्छी क्षेत्र जमी और बदल मानक जलमग्न होती। ओके बहुत बहुत धन्यवाद दिगभंडी रिपोर्टर कालचरण नायक थे जहाँ कहते कि बर्तमान समय किभली भाव लोक मैंने प्रभावित होती लगाण वर्षा जो गोपालपुर सिंहबिल पहाड़ खलिंगी दुदुरा पदर समेत घोड़ाहाड़ नईकूलिया जमी बर्तमान जलमग्न होती वर्षा पाने बुड़ी रही धान फसल।